हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मई चैनल। कैसे हैं आप? जो उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो जी, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आपको मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड से मिलाऊंगी और हम लोग 18 सालों के बाद आपस में मिलने जा रहे हैं। तो हमने एक जगह डिसाइड किया है, हाई स्ट्रीट, वहाँ पर हम मिलेंगे 5:30 बजे। और बस यहाँ पर ये जो मेरी फ्रेंड है, हम लोगों ने MSc साथ में किया था और MSc करते करते ही मेरा जो है मेरी फाइनल ईयर में शादी हो गई थी। तो इतने सालों के बाद उनसे मिलना होगा। साथ ही मैंने यहाँ पे विक्रम का मज़ा लिया। विक्रम मतलब एक काइंड ऑफ ऑटो, जो शेयरिंग ऑटो होता है। और फिर उसके बाद मैंने ये ले लिया है छोटा सा टुक टुक। तो इनको भी मैंने ना बहुत सालों के बाद इन्जॉय किया। लीजिए स्पून नहीं मिलेगा। मेरी फ्रेंड शोभा सामने पिंक ड्रेस में खड़ी है और वो हम लोगों का वेट कर रही है। उसे पता नहीं है कि मैं उसे देख रही हूँ। धीरे से जाके उसे सरप्राइज़ देना है। और साथ में यहाँ दिखा दो कि अभी जस्ट हम लोगों ने लिट्टी खाया है और गर्मी में ना यहाँ पे लस्सी और लिट्टी और आम का शरबत बड़ा ही फेमस होता है। तो फारिया भी वहाँ पर जस्ट उसे खाया है और हम लोग बस जाएँगे सरप्राइज़ देने के लिए। तो जी, ये मेरी फ्रेंड है शोभा, जिसे मैं 18 सालों के बाद मिल रही हूँ। और मैंने सोचा कि मैं उसे सरप्राइज़ दूंगी, बट उसने कहा ना कि वो ढूंढ रही थी कि शायद कोई बुरके में होगी, नकाब में कोई शेरिन खड़ी होगी। और जब उसने मुझे देखा तो हम बड़े खुश हो गए। और वो कह रही थी कि तुमने तो बड़ा वेल मेंटेन खुद को कर लिया है। और उस शोभा में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, वो भी वैसी की वैसी हंसमुख जैसी थी। पहले बहुत हंसती थी, वैसी आज भी है। और कुछ ही देर के बाद फिर मुशायदा आई, सबसे लास्ट में वो पहुँची। और मुशायदा की बेटी भी यहाँ पे आई हुई थी, साथ में मैं भी फारिया को लेके गई थी। हाई स्ट्रीट में हमने काफ़ी देर बातें की, बहुत सारी हंसी मजाक की बातें हुई। उसके बाद डिसाइड हुआ कि हम कहीं रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खाएंगे। भूख तो यकीन कीजिए कि कुछ खाने को मन ही नहीं कर रहा था, बट ये था कि चलो कहीं बैठ जाते हैं। फिर बच्चों ने ऑर्डर किया था यहाँ पे नूडल्स, पनीर चिली एंड देन पिज़्ज़ा। और हमारा तो पेट सिर्फ बातें करने से ही भर रहा था। मतलब इवन दोनों की जितनी भी बातें हम लोगों ने की, बट वो भी कम हो जा रहा था। और यहाँ पे ना शोभा नोटिस कर रही थी कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। शी वॉज़ नॉट नोइंग कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है। होपफुली इस वीडियो को ज़रूर देखेगी एंड उसे पसंद भी आएगा। तो मैं यहाँ पे ना उनके साइड में फेस जो है कैमरा फोकस कर रही थी। मुशायदा को पता था तो बड़ा हंस रही थी कि मैं जो कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल पहले का जो वक्त होता है कॉलेज का, वो यादें ताज़ा हो गई। बहुत एक दूसरे को छेड़ रहे थे हम लोग। और अब तो सब हम लोग कह सकते हैं कि अब मम्मीज़ बन गए हैं, तो आंटीज़ का लुक आ गया था हम लोगों का। लेकिन फिर भी जो पुराने दोस्त होते हैं ना, उनकी बिल्कुल अलग ही एक इम्पॉर्टेंस होती है। जो हम उनसे बात कर पाते हैं, वो फिर न्यू फ्रेंड्स से इतना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने। और टाइम का शॉर्टेज हो रहा था। मेरी फ्रेंड्स शोभा को घर जाना था, उनके छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं उसके, और वो वेट कर रहे थे घर पे। ऑलरेडी इट वाज मोर देन 7। तो ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम इंशाल्लाह फिर कभी आगे मिलेंगे। और ये एक छोटा सा वीडियो था। आई होप कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको अपने कॉलेज के फ्रेंड से मिलाया। और इंशाल्लाह आगे भी इनसे मुलाकात होती रहेगी। तो चलिए, आज का वीडियो बस यहीं तक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।